हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, जुलाई मंथ के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर वीडियो पार्ट वन में, वीडियो फर्स्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं सत्येंद्र, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवल और केवल सिलेक्टेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जो जुलाई मंथ के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप प्लीज़ ये नोट कर लें। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का भी जो लिंक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसका पार्ट टू बहुत जल्दी आएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ यूपी एपीओ यूपी पीसीएसजे उत्तराखंड सिविल जज के लिए हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं, इसके साथ साथ लोअर पीसीएस का लिए पेड ग्रुप चल रहा है। तो याद रहे, पेड ग्रुप है, आप लोग मुझे 7500110314 पर व्हाट्सअप करके पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। याद रहे, ये पेड ग्रुप है। ठीक है, इसी तरह का कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो पहला है, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? जीएसटी डे 1 जुलाई 2017 को, ये प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने ये लागू किया था पूरे देश में। 122वां विधेयक था, बिल था, और जो अमेंडमेंट हुआ वो 101वां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। तो ये आप लोगों को याद रखना, 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, 1 जुलाई 2017 को ये पूरे देश में लागू किया गया था। इसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है? तो ये है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई है। इसके तहत 1 जुलाई 2020 तक पूरे देश में एक राशन कार्ड बनेगा जो पूरे देश के लिए इक्वल होगा, यानी सभी राज्यों के लिए इक्वल होगा। तो ये बनाएगा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, आप लोगों को पता है 11 जुलाई को मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको आप नोट कर लें, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इस बार 2019 की कोई थीम नहीं थी, तो क्वेश्चन आ सकता है कि 2019 के लिए वर्ल्ड पॉपुलेशन की क्या थीम है, तो इस बार की कोई थीम नहीं थी। ठीक है, आप लोग चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए आती रहें। याद रहे कि टारगेट फॉर आईक्यू पूरी तरीके से जुडिशरी एग्जाम के लिए, जीएस पार्ट के लिए डेडिकेटेड है। नेक्स्ट है जयपुर, आप लोगों को पता है राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और इसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गुलाबी शहर, और विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज जो सूची में यूनेस्को द्वारा इसको शामिल किया गया, अभी हाल ही में सबसे पहला जो भारत का शहर था वो अहमदाबाद शहर है। भारत के कुल प्लेस और जो हेरिटेज प्लेसेस होते हैं उनको मिलाकर 38 अब तक कुल स्थानों को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जा चुका है। वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने का कि विश्व की धरोहर है और इन्हें संरक्षण देता है यूनेस्को। ठीक है, और उसी देश की सरकार के साथ मिलकर। नेक्स्ट ऑपरेशन सुदर्शन क्या है? तो ये बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा भारत पाक बॉर्डर पर ये चलाया गया ऑपरेशन सुदर्शन। जन चौपाल कार्यक्रम क्या है? तो जन चौपाल कार्यक्रम चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। आप लोगों को मैं बता दूं, केवल और केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करंट अफेयर लिखता हूं, जो सिर्फ एग्जाम को हिट करे। नेक्स्ट है फीफा, तो वर्ल्ड फीफा महिला विश्व कप जो 2019 में अभी हुआ है, तो उसके विजेता है यूएसए। ठीक है, और जो ये हुआ था ये फ्रांस में हुआ है, इसके जो रनर अप रहे हैं उप विजेता हैं वो नीदरलैंड्स है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, फीफा वर्ल्ड कप जो 2018 में हुआ था वो रूस में हुआ था, रसिया में। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, 2018 में जो हुआ था वो मेल वर्ग का था, वो मेल और ये फीमेल है, तो वो पुरुष वर्ग का था, ये महिला वर्ग का है। तो मेल का जो हुआ था वो रसिया में हुआ था, और जो महिला का वो फ्रांस में है। जो रसिया में हुआ था उसका जो विजेता था वो फ्रांस था, ये याद रखेंगे, और उपविजेता क्रोशिया था। इसमें आयोजन इसका फ्रांस में और विजेता इसका यूएसए। नेक्स्ट है भारत का पहला गौ अभ्यारण, तो यह है भोपाल में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल किस सरकार से संबंधित है? राज्य हरियाणा राज्य से संबंधित है। आप लोगों को पता है मनोहर लाल खट्टर वहाँ के मुख्यमंत्री है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और ये क्या है कि भूमि और फसलों का ब्यौरा इस पोर्टल पर आप लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट है 21वें राष्ट्रमंडल खेल टेनिस चैंपियनशिप 2019 कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी ओडिशा में, आप लोगों को याद रखना है, ओडिशा में ये आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इंटरनेशनल न्याय दिवस जो होता है आपका वो होता है 17 जुलाई को। ठीक हो, इसको याद रख लेंगे। अर्जुन पुरस्कार
18 जो रोहन 2018 के थे लेकिन ये ले नहीं पाए थे, तो ये किस लिए फेमस नेम है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो रोहन बोपन्ना जो टेनिस से संबंधित है, स्मृति मदाना जो क्रिकेट से संबंधित है, इन दोनों को मिला है। 18 जुलाई को आप लोगों को पता है नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है जो पूर्व अफ्रीकी राष्ट्रपति थे और 1994 में ये अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। इसके साथ साथ ये 27 सालों तक इन्हें दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति भी कहा जाता है और लगभग 27 सालों तक ये जेल में रहे थे सिर्फ अपने आंदोलन के कारण, असुविधाओं के कारण, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैंने आप लोगों को दिए हैं, बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच।